नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए चलते हैं देश की खबरों की ओर। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कोविड-19 फिर तेजी से फैलने लगा है। बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5,223 नए मामलों का पता चला। मंगलवार के आंकड़ों से आज आंकड़ा 41% ज्यादा है। चलिए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। अगले दिन बाद कोविड-19 के 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। सोमवार को देश भर में कोरोना के 3,714 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन पहले रविवार को 4,518 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक्टिव केस 28,857 हो गए हैं, जिनमें से ज्यादातर इन्हीं तीन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं। सबसे ज्यादा केस केरल से आ रहे हैं। वहां मंगलवार को 2,271 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए। वहीं महाराष्ट्र से 1,881 केस आए, जिनमें से मुंबई के 1,282 मामले शामिल हैं। मुंबई में एक दिन पहले 676 केस आए थे, यानी 24 घंटे के भीतर कोरोना केस लगभग दुगने हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में से भी सोमवार के 247 मामले में अभी 450 केस आए हैं। जून के महीने में अब तक दिल्ली वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक 7 जून को 1 मरीज की मौत हुई थी, जबकि 2 जून को 2 मरीजों की कोविड के चलते मौत हो चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिव मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। 7 जून को 23,404 में से 450 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस हिसाब से संक्रमण दर 1.92% है। वहीं 6 जून को 247 लोग संक्रमित पाए गए थे। वहीं 5 जून को 3,433 लोग पाए गए थे। वहीं 383 से लेकर 1 जून को 338 मामले पाए। कर्नाटक में भी नए कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं 3 महीने बाद 24 घंटे के अंतराल में 348 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.11% हो गया है। राज्य में 3 मार्च को 242 मामले दर्ज किए गए थे। लंबे अंतराल के बाद मामले लगभग 350 के आंकड़े तक पहुंच गए हैं। मंगलवार शाम तक कुल 16,474 टेस्ट किए गए। हालांकि विशेषज्ञों ने चौथी लहर की आशंका बताई है।